बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपकी नई एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज नंबर हमारे पास है 7.2 है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन तो उसमें फिल इन द ब्लैंक ही है, लेकिन हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं जिसको हमें सॉल्व करना है और इसमें से भी पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन कंपलसरी आता है और टोटल ये 8 पार्ट है और इसमें से ये पहले हिस्से में देखिएगा मैं 3 उसके पार्ट कर रहा हूँ जिसमें फर्स्ट है, सेकंड है और फोर्थ है, क्योंकि जो फर्स्ट उसी तरह ही थर्ड है इसलिए वो मैंने छोड़ दिया है, वो आप लोग खुद हल करेंगे। सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन को हल करें ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, ये जो सात बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दी हुई है इसको एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। तो ये एक नई इक्वेशन आ गई एब्सोल्यूट वैल्यू वाली, उर्दू के अंदर इसको मुतलक कीमत कहा जाता है। इसका तरीकाकार देखते हैं आपको हल करने के लिए, हम सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट पार्ट में वैल्यू दी है 3x-5 और ये एब्सोल्यूट वैल्यू और इट्स इक्वल टू 4 है। हमने एब्सोल्यूट वैल्यू के अलावा जितनी भी एक्स्ट्रा आपकी वैल्यू होंगी वो हमने दूसरी साइड पे ले जानी है और अगर नहीं है तो फिर हम उसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं है और इसका मेथड हल करने का कि जब ये एब्सोल्यूट वैल्यू अकेली रह जाएगी तो जब आप लोग इसको खत्म करेंगे तो दूसरी वैल्यू के साथ हमने क्या लिख देना है, प्लस और माइनस। इससे मुराद है अब हम इसे वन टाइम प्लस से हल करेंगे और वन टाइम माइनस से हल करेंगे। तो ये देखिएगा आगे हमारे पास 3x-5 इट्स इक्वल टू 4 और फिर 3x-5 इट्स इक्वल टू -4। तो वन टाइम हम प्लस से कर रहे हैं और वन टाइम हम माइनस से कर रहे हैं। एक्स वाली वैल्यू एक तरफ रह गई, ये माइनस का 5 है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ये 3x है, 5 और 4 मिलकर कितने हो जाएंगे 9। ये 3 मल्टीप्लाई का है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का। इस वजह से हमारे पास एक आंसर क्या आ चुका है, 3। दूसरा चेक कर लेते हैं, माइनस का 5 है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 5। ये 3x इक्वल 4 में से 5 चला गया तो बाकी क्या बच जाएगा, x हमने फाइंड करना है, 3 मल्टीप्लाई का है तो दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा, डिवाइड का, और x इक्वल 1/3। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ चुका है, एक 3 है और दूसरा हमारे पास 1/3 है। जी समझ आ चुकी है। अब हम करेंगे उसका दूसरा पार्ट और लिखेंगे उसी तरह सोल्यूशन, और सोल्यूशन हम ले रहे हैं 1/2 का और फिर 3x+2 का -4 का और इट्स इक्वल टू 11। तो पहले हम देखते हैं कि उस वैल्यू के अंदर अगर कोई प्लस या माइनस की वैल्यू एक्स्ट्रा है तो वो हम उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये माइनस का 4 है, जब इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा। 1/2 × 3x+2 इट्स इक्वल 11 और ये 4 उधर जाकर किसका हो जाएगा, ये प्लस। 11 और 4 मिलकर कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। और अब देखते हैं कि ये जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू उसके साथ ये 1/2 एक्स्ट्रा ये 2 जो डिवाइड का है जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो ये 3x+2 15 और ये 2 जो डिवाइड का था ये दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई का हो चुका है। तो अब क्या बचा, 3x+2 इट्स इक्वल टू 30। तो ये हमारे पास एक साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यू रह गई है और अब इसको हल करने के लिए जब ये एब्सोल्यूट की साइन को आप लोग खत्म करेंगे तो दूसरी तरफ हम क्या लिख देंगे, प्लस और माइनस। अब वन टाइम हम प्लस से हल कर लेंगे और वन टाइम हम माइनस से हल कर लेंगे। तो यहां पर आ जाएगा 3x+2 इट्स इक्वल 30, 3x+2 और इट्स इक्वल टू -30। x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 2 प्लस का है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो चुका। ये 3x 30 में से 2 चले गए तो बच क्या आ गए,
28 एक्स फाइंड करना है, 3 मल्टीप्लाई का है और दूसरी तरफ जाकर ये किसका हो जाएगा, ये डिवाइड का। इधर भी ये 2 प्लस का है, जब दूसरी साइड पे गया तो ये किसका हो जाएगा, ये माइनस का, और 30 और 2 मिलकर मनफी 32 हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई का है, दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा, डिवाइड का। और मेरे पास जो वैल्यू बची है सॉल्यूशन सेट के फॉर्म के अंदर वो 28/3 है और मनफी 32/3 है और यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 आप लोग, मैंने कहा था कि वो आप लोग खुद कीजिएगा, अब पार्ट नंबर 4 है और अगर आपने 3 कर लिया तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आप को समझ आ चुकी है और आप आगे वाले क्वेश्चन भी हल कर सकेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है और राइट हैंड साइड की तरफ भी एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो दोनों एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे एक साइड पे होनी चाहिए तो फिर आपका हल होगा। इस वजह से इसको एक साइड पे करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि ये इधर अगर मल्टीप्लाई की हो रही है तो इधर आकर किसकी हो जाएगी, डिवाइड की हो जाएगी। और इसको मैं कुछ इस तरह कर देता हूं जिससे आपका मजीद कंसेप्ट आसान हो जाएगा कि 6x1 से 7 क्योंकि उधर मल्टीप्लाई की थी, इधर आकर किसकी होगी, डिवाइड की। इस वजह से उधर भी डिवाइड कर दिया और इधर भी डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से दोनों तरफ अगर आप एक ही स्टेप सेम करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अब इस एब्सोल्यूट वैल्यू को हम कंबाइन कर लेंगे, 6x -7 और इट्स इक्वल टू, क्योंकि ऊपर और नीचे कैंसिल होता है तो बाकी क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। और इस तरह का आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी होगा और क्वेश्चन नंबर 8 भी होगा जिसको हल करेंगे। और 8 तो बिल्कुल इसी तरह दिया लेकिन यहाँ पे 1 की जगह पे मेरे ख्याल में 25 दिया होगा, 6 वहाँ पे 6 दिया है, तो अगर हम इसको हल कर लेंगे तो फिर उसको भी इसी तरह मजीद हल करेंगे क्योंकि वो यहाँ से स्टार्ट होता है, वो यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म करेंगे तो हम दूसरी तरफ क्या लिख लेंगे, हम दूसरी तरफ लिखेंगे प्लस और माइनस। तो इसको अब हम 1 टाइम प्लस से हल करेंगे और 1 टाइम हम माइनस से हल करेंगे, तो 3 + 2x / 6x - 7 इट्स इक्वल टू 1, 3 + 2x / 6x - 7 और इट्स इक्वल टू -1। अब ये इधर डिवाइड का है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का, 3 + 2x और 1 को मल्टीप्लाई किया 6x - 7 के साथ, 3 और 2x वैसे, 6x - 7 भी वैसे का वैसे, ये मनफी का 7 है, ये दूसरी साइड पे आकर किसका हो जाएगा, प्लस का, ये 2 प्लस का था, दूसरी तरफ जाकर ये किसका हो जाएगा, ये माइनस का। 7 और 3 कितने होते हैं, 10 और 6x में से 2x मनफी कर दिए तो बाकी क्या बच जाएंगे, 4x, फिर 4 मल्टीप्लाई का है तो इधर आकर किसका हो जाएगा, डिवाइड का, 2 पर कैंसिल हो रहा है, 5 × 2 = 10 और 2 × 2 = 4 और x की वैल्यू 1 5/2 आ चुकी है। दूसरी वैल्यू भी हम इसी तरह फाइंड कर लेते हैं, ये 3 + 2x है और मनफी 1 मल्टीप्लाई होगा 6x और -7 के साथ, ये 3 + 2x = -6x और मनफी मनफी 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो +7 हो जाएगा। मनफी का 6x है, ये छोटा है, दूसरी साइड पे ले आए तो वो इधर आकर प्लस का 6x हो जाएगा, ये 7, ये 3 प्लस का है, ये दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का, 6 और 2 मिलकर कितने हो जाएंगे, 8x, 7 में 3 गया तो कितने रह जाएंगे, 4, x हमने फाइंड करना है और 8 इधर मल्टीप्लाई का है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का। तो यही हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया है, एक आ गया 5/2 और दूसरा आ गया 1/2 और ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज आ गई। जी समझ आ गई, हल कर लेंगे।